मंगल में संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, सदगुरु कबीर का एक बहुत ही सरल और प्रसिद्ध पद और उस पर कुछ निवेदन। सदगुरु कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहना। सदगुरु कबीर की एक एक पंक्ति में एक एक शास्त्र समाया हुआ है। सागर के समान होती है उनकी एक एक पंक्ति। एक पंक्ति पर हम विचार कर लें, किसी भी उनका कोई भी पद हो, एक पंक्ति पर हम विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार कर लें और आचरण कर लें तो जीवन बदल सकता है। संत राम जी महाराज नड़ियाद में हुए हैं। आज संत राम मंदिर नड़ियाद में बहुत प्रसिद्ध है पूरे गुजरात में। संत राम जी महाराज कहीं से घूमते घामते वहां आकर बैठ गए थे, फिर धीरे धीरे उनके पीछे मंदिर बन गया, विशाल मंदिर, और बहुत वहां सेवा होती है। तो संत राम जी महाराज ने सदगुरु कबीर की महिमा करते हुए कहा है, आधी साखी कबीर की, कोटि ग्रंथ करी जान। संत राम जग झूठ है, सार शब्द पहचान। कबीर साहब की आधी पंक्ति भी करोड़ों ग्रंथ के समान है। ये दुनिया का झमेला झूठा है, इसलिए इसका मुंह छोड़कर सार शब्द निर्णय वचन को पहचानो और आचरण करो। यदि हमारे भीतर संवेदना हो, हृदय में ग्रहण क्षमता हो, तो एक छोटा सा वाक्य, एक छोटी सी पंक्ति हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है, पूरा है। हृदय ही पत्थर बना हुआ हो, कुछ भेदता ही ना हो, तो रात दिन संतों के बीच ही बैठे रहें, ज्ञान चर्चा सुनते रहें, तो क्या फर्क पड़ता है। संवेदना होनी चाहिए, कल्याण के लिए उत्कंठा और मुमुक्षा होना चाहिए, दुखों से तड़पन, बंधन से छूटने के लिए व्याकुलता। कल्याण कैसे नहीं हो पाएगा, मन रुकेगा कैसे नहीं। पूरा समर्पण, पूरी तत्परता, पूरी जागृति। आवश्यकता है चित्त एकाग्र करके सुनने और मनन करने की। सदगुरु कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना। किसी से कुछ लेना मत, किसी को कुछ देना मत, फिर सदैव मगन रहोगे।
इस पंक्ति का इतना ही अर्थ कर दिया जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लोग प्रश्न भी करेंगे कि बिना लिए और दिए जीवन का व्यवहार कैसे चल सकता है, सारा व्यवहार लेन देन का व्यवहार है। जीवन के दो क्षेत्र हैं, व्यवहार और परमार्थ। इन दोनों में व्यवहार का नंबर पहले आता है, परमार्थ का नंबर पीछे आता है। यद्यपि जीवन का उद्देश्य परमार्थ है, परमार्थ क्या है? परमार्थ शब्द दो पदों के मेल से बना है, परम धन अर्थ, परम श्रेष्ठ अर्थ प्रयोजन। जीव का परम प्रयोजन क्या है? श्रेष्ठ प्रयोजन, जिसके पश्चात कुछ और बाकी नहीं रह जाता, वह है दुख की निवृत्ति, उसी को कह सकते हैं कल्याण की प्राप्ति, उसी को कह सकते हैं मोक्ष की प्राप्ति, उसी को निर्वाण कह सकते हैं, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, ब्राह्मी स्थिति कह सकते हैं, कैवल्य कह सकते हैं। पहले व्यवहार है, व्यवहार सुंदर नहीं है, उलझा हुआ व्यवहार है, कटु व्यवहार है, उखड़ा उखड़ा व्यवहार है, शिकायत पूर्ण व्यवहार है, तो परमार्थ की कमाई, परमार्थ की साधना कभी हो नहीं सकती है। तो व्यवहार पहले है, और बिना लिए दिए व्यवहार चलेगा कैसे? जीवन निर्वाह में हम जितनी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, सबको उत्पादन हम स्वयं नहीं करते, कुछ हम करते हैं, कुछ अन्य लोग करते हैं, बस हम जो प्रयोग करते हैं, हम उत्पादन करते हैं उसे दूसरों को देते हैं, दूसरा उत्पादन करता है उसे लेते हैं, तो लेन देन का ही व्यवहार है। और साहब कहते हैं कुछ इसे लेना मत, किसी को कुछ देना मत, तो अर्थ क्या है? व्यवहार में इतना ध्यान रखें, सदैव व्यवहार को मधुर रखें, मीठी वाणी में बात करें, हृदय को उदार बना करके रखें, और दूसरों द्वारा प्रतिकूल व्यवहार मिलता हो तो बिना प्रतिक्रिया के शांत होकर सहन कर लें। हम ऐसा कोई व्यवहार न करें जिससे दूसरों को तकलीफ होती हो, दूसरों को दुख पहुंचता हो, दूसरों का अपमान होता हो। लेकिन कोई दूसरा ऐसा व्यवहार करता है तो प्रतिक्रिया रहित तो होकर उसे सहन कर लें और शांत रहें। इस पर गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, सुखी रहना चाहते हो तो एक काम करना, वह क्या है? दूसरों के उगले हुए जहर को सहन कर लेना और अपने जहर को मार लेना, स्वयं जहर न उगले, दूसरों ने उगल दिया है तो उसे सहन कर ले, पी जाए। जहर क्या है? कटुता, कठोरता, मिथ्या स्वार्थ, अहंकार। हम अपने भीतर के जहर को मारें, कटुवाणी का प्रयोग न करें, कठोर व्यवहार न करें, अहंकारपूर्ण बात न करें, स्वार्थ के लिए दूसरों के अधिकार का हनन न करें। हम ऐसा व्यवहार करें जिससे दूसरों को तकलीफ न होने पाए, फिर सेवा तो बाद में होगी। और दूसरा कोई कैसा भी कटु व्यवहार कर रहा हो, कड़वी कड़वी बात, एकदम जली कटी बात कह रहा हो,
उसे शांत होकर के सहन कर ले, दुख कहां रहेगा। इतना करें, प्रतिकूल व्यवहार न करें, प्रतिकूल व्यवहार पा करके सहन कर ले, शांत रहें। ये प्रतिक्रिया विहीन जीवन यही अमृत है। सुन रहे थे अमृत के बारे में, अमृत क्या है? मन का प्रतिक्रिया विहीन हो जाना, कर्ता मुक्त हो जाना, करवाहट मुक्त हो जाना, कठोर मुक्त हो जाना, पूरा पूर्ण निर्माण विनम, फिर जीवन सब कुछ अमृत अमृत ही होगा। तो सदगुरु कहते हैं कुछ लेना मत और कुछ देना मत। व्यवहार में तो लेना देना पड़ेगा, लेकिन व्यवहार में ही कुछ ऐसा करना है, लेना भी नहीं है देना भी नहीं है, और सदैव मगन रहना है। हर आदमी सब समय मगन रहना चाहता है, प्रसन्न, और ऐसा ऐसा प्रसन्न कि प्रसन्नता दुख में क्लेश में ना बदलने पाए। उपाय क्या है? बाहर कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, बाहर का कोई ऐसा विषय पदार्थ नहीं है जिससे मिलने वाली प्रसन्नता स्थायी होती हो। बाहर का सारा आनंद, बाहर की सारी प्रसन्नता क्षणिक। क्यों? क्योंकि बाहर का आनंद, बाहर की प्रसन्नता, बाहर का सुख प्राणी और पदार्थ जनित हैं। प्राणी मनवशी बदलने वाले, पदार्थ क्षणभंगुर। तो जिनका संयोग हो और वियोग होता है उससे मिलने वाला जो आनंद है, उससे मिलने वाला जो सुख है, स्थाई कैसे हो सकता है? स्थाई सुख किसका है? सदा रहे सुख संयम अपने, आत्मसंयम का सुख, मन की निर्मलता का सुख, यह स्थाई है। कहीं चले जाएं किसी भी समय मन निर्मल है, अपने आप पूर्ण स्वस्थता है, चित्त निर्विकार है, तो दुख कहां है? फिर तो आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, केवल सुख सुख सुख। बिना पैसे का सुख, सुख पैसे से नहीं मिलता। बड़ा पैसा हो जाएगा, बड़ी संपत्ति हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे? भ्रम है। पैसे वालों से पूछ करके देखो कि आपके पास तो बड़ा पैसा है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा ऐश्वर्य है, बड़ा तामझाम है, आप बड़े सुखी होंगे? बाहर बाहर दिखता है। जितना एक गरीब दुखी उतना एक धनवान संपन्न आदमी भी दुखी। ये बाहर के तामझाम से सुख थोड़े मिलेगा। यदि मन कामनाओं में डूबा हुआ है, विकारों में डूबा हुआ है, तमाम ग्रंथियों में, चिंता में, भय में डूबा हुआ है, उपलब्धि कहां होगी? बाहर का श्रृंगार कुछ काम करेगा? जैसे इक्का का घोड़ा होता है, अब इक्के का जमाना समाप्त, लेकिन कभी कहीं कहीं चलता भी इक्का। इक्का वाला, तांगा वाला अपने घोड़े को खूब सजाया होता है, गले में घुंघरू और क्या क्या बहुत खूब सजाया रहता है इक्के को। कोई देखेगा कहे भी कि घोड़े का मालिक कितना प्यार कर रहा है घोड़े को, कितना आदर है, खूब सजाया है। सजा हुआ घोड़ा इक्के पर जुता हुआ है, सवारी ढो रहा है और भूखा बेचारा पेट चिपका हुआ है, तो बाहर का की सजावट क्या काम करेगी? यदि मन तमाम ग्रंथियों में डूबा हुआ है, उलझा हुआ है, कामनाओं में भरा हुआ है, अहंकार में डूबा हुआ है, तो बस समझ लो इक्के के घोड़े जैसे हम बने हुए हैं। बाहर बड़ी बिल्डिंग बन गई, बड़ा ऐश्वर्य हो गया, बड़ी गाड़ियां, बड़ी प्रतिष्ठा, बड़ा पद, बड़ा सम्मान, और अंदर जल रहा है मन, किस काम का ये?
और चित्त में कोई गांठ ही नहीं है, चित्त निर्विकार है, मन संयमित है, स्वस्थ है, दुख किस बात का, पीड़ा कहां होगी, न कोई भय न कोई चिंता, क्लेश रहित मन, निर्विकार मन, सदा रही सुख संयम अपने साहब कहते हैं, सदा रहने वाला सुख आत्म संयम का, कुछ चाहिए नहीं, इसमें कौन सा दुख है, चाहिए में दुख है, चाहिए में झगड़ा है, चाहिए में लड़ाई है, पीड़ा है, सब चिंता है, भय सब कुछ है, कुछ ना चाहिए, इसमें कौन चिंता, इसमें कौन भय, कहां कला, कहां विवाद, कहां लड़ाई झगड़ा, लेकिन ये स्थिति एकाएक तो नहीं आएगी, धीरे धीरे आएगी, कुछ उसके लिए सूत्रों का पालन करना होगा, कुछ लेना देना मगन रहना, साहब कहते हैं सदा मगन रहना चाहते हो तो किसी से कुछ लेना मत और किसी को देना मत, क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है, मैंने कहा था व्यवहार पहले है, घर में रहो, वन में रहो, ऑफिस में रहो, कारखाना में रहो, लोगों से संपर्क होगा, और संपर्क है तो व्यवहार लेना पड़ेगा, और संपर्क है तो सबके स्वभाव अलग अलग, संस्कार अलग अलग, रुचियां अलग अलग, काम करने का ढंग अलग अलग, और उसी के बीच में ही मन को प्रसन्न रखना है, लोगों में दोष भी है, गुण भी है, अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं, तो कैसे रहना है उन लोगों के बीच में, साहब कहते हैं कुछ लेना मत, पहला काम ये करो किसी की बुराई को मत लेना, जिन लोगों के बीच हम रहते हैं ये नहीं है कि वे सब के सब दूध के धोए हुए हैं, हाँ ऐसा भी नहीं कि हम स्वयं दूध के धोए हुए हैं, किसी के दोषों को देख करके उसका अनुकरण मत करना, अब बढ़िया तो यह है किसी के दोष को देखना ही मत, अब जहां व्यवहार है साथ में रहना है, कोई बराबर गलती कर रहा है तो समझाना पड़ता है, समझाना दोष देखना नहीं है, दोष देखने में क्या होता है, निंदा की प्रवृत्ति, दूसरे को बुरा मानने की प्रवृत्ति, सुधार की दृष्टि से किसी के दोष बताना ये निंदा नहीं है, ये दोष देखना नहीं है, बढ़िया तरीका यही है कि किसी में दोष देखे मत, हर आदमी में दोष है, हर आदमी में गुण है, हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में बुराई है, करना क्या है हमको, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे हमारा व्यवहार का बना रहता है बराबर, उनके अच्छाइयों पर, उनके गुणों पर दृष्टि रखें, ये नियम है दुनिया का, जिनके दोषों को और बुराइयों को बराबर याद करते रहेंगे, धीरे 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 हमारा मन उनके प्रति करुणा से भरता चला जाएगा, क्योंकि बराबर दोष से याद कर रहे हैं, बुराई को देख रहे हैं, धीरे धीरे मन एकदम कटु हो जाएगा, और मन कटु होगा तब व्यवहार कटु हो जाएगा, परिणाम हम दुखी, सामने वाला दुखी, करना क्या है, जिनके साथ रहते हैं उनके दोषों को नजरअंदाज करके, बुराइयों को नजरअंदाज करके उनके गुणों को और उनका अच्छाइयों को देखा जाए, जिनके अच्छाइयों को देखते रहेंगे धीरे 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 हमारा मन उसके प्रति प्रेम से भरता चला जाएगा, कोमल होता चला जाएगा, और व्यवहार उतना प्रेमपूर्ण कोमल हो जाएगा, अपना मन प्रसन्न, सामने वाले का मन प्रसन्न, जिसे हम अपना मानते, जिसके प्रति प्रेम होता है उसमें बुराई दिखाई ही नहीं पड़ती है, और जिसे हम अपना नहीं मानते, जिसके प्रति देश बैर होता है, उसमें अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती, मन का स्वभाव कुछ ऐसा है, अपना मान लिए
उनके दोषों के प्रति हंसते हमारे आंखें बंद हो गई। अपना नहीं माने, उसके किसी के प्रति द्वेष भाव है, उनका छायों के प्रति से आंखें बंद हो गई। ये जीवन जीने का गलत तरीका। इसीलिए तो घर घर में उलझने कला है, विवाद है। जिसके प्रति भी प्रेम होगा, जिसके गुणों का बराबर देखेंगे, उसकी त्रुटि के प्रति ध्यान नहीं जाएगा। उदाहरण याद आता है, एक युवक और युवती की शादी हुई। शादी की पहली रात को दोनों की मुलाकात हुई तो दोनों ने तय किया कि अब हम लोगों को साथ साथ जीवन जीना है। गलतियां दोनों से हो सकती है, तो दोनों एक एक डायरी लिख रखें और दूसरे की गलती को लिखते चले जाएं। पत्नी पति की गलती को लिखते चले जाए और पति पत्नी गलती को लिखते चला जाए। और साल भर के बाद शादी की पहली वर्षगांठ में डायरी को अदला बदली करके देखें कि किसने क्या गलती की है, मैंने क्या क्या गलती की। तय हो गया, दोनों डायरी रख लिए। शादी की पहली वर्षगांठ मनाए, डायरी अदली बदली की है, तो पत्नी ने लिखा था अपनी पूरी डायरी में हर दिन, आज तुमने ये गलती की, आज तुमने ये गलती की, रोज कई कई गलतियां लिखी थी। युवक जो पति था वो पढ़ता गया और मुस्कुराता भी गया। और जब पूरी डायरी पढ़ लिया तो कहा पत्नी को कि प्रिय, तुमने मेरी तमाम गलतियों तरफ इशारा किया है, मैं इन गलतियों को सुधारने का प्रयास करूंगा। और उधर युवती पति की डायरी पलट रही है कि मेरी क्या गलती लिखा है। पलटते जाती कोई गलती, सारे पन्ना खाली। अंतिम पन्ना में लिखा था युवक ने अपनी पत्नी को, प्रिय मेरी तमाम गलतियों को, तमाम दोषों को नजरअंदाज करके तुमने मेरे साथ सुंदर व्यवहार किया, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद। और रही बात गलती की, तो तुम्हारे लिए मेरे मन में इतना प्यार है कि मुझे तुम्हें कोई गलती दिखाई ही नहीं पड़ी। पति के इस वाक्य को पढ़कर पत्नी की आंखों से आंसू आ गया और कहा कि मैं बहुत गलत हूं। ऐसा कोई, ये तो उदाहरण है, पत्नी भी ऐसा कर सकती, पति भी ऐसा कर सकती है। तो जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है उसकी गलती हमें दिखाई नहीं पड़ती। इसलिए सबके साथ, कम से कम घर वालों के साथ, जिनके साथ रहना उनके साथ प्रेम का व्यवहार, सब अपने पे गलती दिखाई नहीं पड़ेगी, जीवन आनंद से भर जाएगा, व्यवहार सुंदर हो जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं किसी के बुराई मत लेना। एक बात और, गुण और दोस्तों सब में नग पसंद सकल है पारक विरला, को सदगुरु कहते हैं हर आदमी में गुण है, हर आदमी में दोष है। दोष देखना चाहते हैं तो ठीक है, दोष देखिए, उसके लिए मनाही नहीं है। गुण देखना चाहते हैं, गुण भी देखिए, मनाही नहीं है। लेकिन आज तक जिस रास्ते पर चलते आए हैं वो रास्ता बदल दें। गुण भी देखिए, दोष भी देखिए। यदि कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं और व्यवहार सुंदर बना रखना चाहते हैं तो, लेकिन तरीका बदलना होगा। आज तक हम क्या करते आए हैं, आज तक सामने वाले के दोषों को देखते आए हैं और अपने गुणों को देखते आए हैं। अब आज से रास्ता बदल दें, सामने वाले के गुणों को देखते जाएं और अपने दोषों को देखते जाएं, बस जीवन का पूरा कल्याण संभव। दोष देखना है तो अपना, गुण देखना है तो सामने वाले का। अपने दोषों को देखते रहेंगे तो उन्हें सुधारने के लिए प्रयास हम करेंगे, उनके प्रति ग्लानि होगी। सामने वाले गुणों को देखेंगे तो उनके प्रति मैत्री, प्रेम, समता, सेवा का भाव होगा। कल्याण का रास्ता यही है, अपने दोषों को देख देख करके निकालना और सामने वाले गुणों को देख देख करके उनका अनुकरण करना। आनंद से जीना बहुत ही सरल है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, अपने दोषों के प्रति हमारी आंखें बंद रहती है और दूसरों के दोस्तों देखने के लिए हजार आंखें हो जाती है। सदगुरु कहते हैं
कुछ लेना मत, कभी किसी की बुराई को मत लेना, लेना सदैव अच्छाई को लेना, और कुछ देना मत, जानबूझ करके किसी को दुख मत देना। किसी की बुराई लेना नहीं है और किसी को दुख देना नहीं है। दुख देने का अर्थ है अपने लिए दुख के बीज बोना। दुख कौन देता है? जितना हम दूसरों को दुख देंगे उतना हमें आगे दुख मिलेगा, और वर्तमान में हम दुखी हैं। दुखी आदमी ही दूसरों को दुख देता है, जो सुखी है वो दूसरे को दुख नहीं दे सकता। धनवान जिसके पास धन होगा वो दूसरे को धन देगा। गरीब आदमी, एकदम गरीब निर्धन आदमी, वो दूसरे को धन क्या देगा, कहां से ला कर देगा, धन है ही नहीं। जिसके पास विद्या होगी वो दूसरे को विद्या पढ़ाएगा, जिसके पास जमीन होगी वो दूसरे को जमीन का दान करेगा, धन होगा धन का दान करेगा, विद्या होगी विद्या का दान करेगा, जमीन होगी जमीन का दान करेगा। इसी प्रकार जिसके पास दुख होगा ना वो दूसरों को दुख का दान करेगा। कोई दुखी किसी को दुख दे रहे हैं समझ ले वो आदमी दुखी आदमी वही है, उसके पास बांट रहा है वो जो होगा वही तो बांटेगा, और जितना बांटता जाएगा उतना ही बढ़ोतरी होती जाएगी। जिस चीज को हम जितना ज्यादा बांटते हैं वह चीज उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अभी समझ लें कि हम क्या पाना चाहते हैं। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसको अधिक से अधिक बांटना शुरू करें। पाने का तरीका, बढ़िया रास्ता क्या है? बांटना। जीवन के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में गणित दूसरा है, जीवन के क्षेत्र में गणित दूसरा है, भौतिक क्षेत्र में किसी चीज को जितना हम बांटते जाएंगे चीज उतनी घटती चली जाएगी। 100 रुपये आपके पास हैं, 1-1 रुपया आपने बांटना शुरू किया, बांटते गए रुपया घटता गया, 100 आदमी को आपने 1 रुपया दिया, आपका 100 रुपया समाप्त, कुछ नहीं बचा आपके पास, जितना बांटा उतना खाली। लेकिन जीवन के क्षेत्र में आपका थोड़ा दुख है, 100 आदमी को दुख बांटे आपको दुख 100 गुना बढ़ जाएगा, जितना बांटेंगे उतना दुखी होते चले जाएंगे। थोड़ा सुख है, सुख बांटते जाएं, सेवा करते जाएं, आपका सुख उसी मात्रा में बढ़ता चला जाएगा। पाने का तरीका है बांटना। सुख पाना चाहते हैं सुख बांटें, दुख पाना चाहते हैं दुख बांटें, प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम बांटें, बैर पाना चाहते हैं तो बैर करते चले जाइए, आपको बैर की कमी नहीं होगी। पाना क्या चाहते हैं? हम सुख पाना चाहते हैं लेकिन बांटते हैं दुख, प्रेम पाना चाहते हैं लेकिन बांटते हैं घृणा बैर। प्रेम मिलेगा कैसे, सुख मिलेगा कैसे? जो पाना चाहते वही तो बांटे ना। तो किसी को दुख देकर कोई आदमी स्वयं दुख रहित तो नहीं हो सकता, सुखी नहीं हो सकता। किसी को दुख देना अपने लिए दुखों का बीज बोना है, और बीज ये खेत में एक दाना बोते हैं अनंत गुना होता है। और किसी को दुख दे करके कुछ भी उपाय कर लो दुख दूर नहीं हो सकता है, कोई रास्ता ही नहीं है सुखी होने का, दुख से बचने का। ऐसे लोग कहते हैं, यहां भी सुनते हैं आप, कि चाहे तुम जैसा कैसा भी गलत काम कर लो, गंगा में नहा लो सारे तुम्हारे गलत, सारे के सारे गलत काम पाप कर्म सब समाप्त, भगवान का नाम ले लो, अमुक मंत्र का नाम ले लो, गुरु का चरणोदक पी लो, सब दुख खत्म, सब पाप खत्म। ये महिमा है लोगों को इस रास्ते में लगाने के लिए। ऐसे कह दिया जाता आपको, भैया चलो इलाहाबाद प्रयाग, वहां बहुत संत लोग आने वाले हैं, उनके दर्शन होगा और उनके सत्संग लाभ होगा, तो बहुत कम लोग आते हैं। कह दिया गया कि मौनी अमावस्या के दिन ऐसा पर्व है कि उस दिन नहा लो तो सीधे बैकुंठ और स्वर्ग, आप रोकते रह जाओगे, लोग नहाने के लिए कूद पड़ेंगे,
महिमा बढ़ा दी गई ना, तो महिमा बढ़ा दी जाती है तब लोग अपने आप उधर आ जाते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। तो भगवान का नाम जपोगे पाप कट जाएगा, दुख से छुटकारा हो जाएगा। अमुक मंत्र का नाम जपोगे दुख से मुक्ति मिल जाएगी। गुरु के चरणोदक लोगे तो भवसागर से तर जाओगे, सब महिमा की बात है, ऐसा कुछ होता नहीं है। गुरु का चरणोदक पीने से मुक्ति मिलती तो गुरु चरणोदक ले लो, एक ड्रम में घोलो, लग सबको पिलाते चले जाओ, सब सब मुक्त होते चले जाएंगे तुरंत तुरंत। गुरु चरणोदक कितने बार पी लिए, लेकिन सैकड़ों बार गुरु का चरणोदक पीने के बाद भी बिड़ी नहीं छूटी, मुक्ति कहां हो जाएगी। गंगा में कितने बार नहाए और आज तक तंबाकू खाना नहीं छूटा, मुक्ति कहां हुई। गंगा में नहाने से मुक्ति हो जाती है, कैसे माना जाए। हाँ, गंगा से नहाने, गंगा से नहा करके निकलो, और गंगा से नहाकर निकलने के बाद यदि मन में काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा बैर वैमनस्य न रह जाए, समझ लो मुक्ति मिल जाए। अब गंगा से नहाकर निकले, वही काम वही क्रोध वही लोभ वही मोह वही राग द्वेष, काम मुक्ति हो जाएगी। गंगा नहाने का खंडन नहीं है, लेकिन इस धोखे में ना रहें कि गंगा में नहा लेंगे, अमुक नाम का जप कर लेंगे, अमुक मंत्र का जप कर लेंगे, अमुक ग्रंथ का पाठ कर लेंगे, अमुक भगवान की भक्ति कर लेंगे, हम पाप से छुटकारा हमें मिल जाएगा, हमारा दुख दूर हो जाएगा। कभी दूर दुख दूर नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बो करके आम खाने की इच्छा करना अपने को धोखा देना है। कमाई हमारी गलत है, कर्म गलत है, मन गलत है, वाणी गलत है, भगवान क्या करेगा। कोई भगवान का नाम, कोई मंत्र, कोई जप, कोई गंगा जल करेगा क्या। उदाहरण ले ले आप, एक किसान है, किसान ने आषाढ़ महीने में अपने खेत में धान का बीज डाला। अब धान का बीज डाल करके धान की फसल पाने के लिए क्या किसान को गंगा नहाना पड़ेगा, किसी भगवान का भजन करना पड़ेगा, कोई मंत्र पाठ करना पड़ेगा, कोई ग्रंथ का पाठ करना पड़ेगा। धान का बीज किसान ने डाला खेत में, खेती कर रहा है, अपने आप कार्तिक अगहन में धान की फसल ही तैयार होगी। लेकिन किसान ने आषाढ़ महीने में खेत में गेहूं का बीज डाला, और गेहूं का बीज डालने के पश्चात वो सोचता है, अरे मुझसे भूल हो गई, डालना था धान का बीज, डाल दिया गेहूं का बीज, अब क्या करूं, अब तो कुछ नहीं है। तो सोचता हूँ चलो रास्ता बदलता हूँ, गेहूं का बीज डाल दिया किसान ने खेत में, अब गंगा जल ले जाकर के सींच रहा है खेत को, और वहां बैठ करके भगवान का भजन कर रहा है, अमुक ग्रंथ का पाठ कर रहा है, गुरु की महिमा गा रहा है, अमुक मंत्र पाठ कर रहा है, और सोच रहा है मैंने खेत को गंगा जल से सींच दिया है, भगवान का भजन कर लिया, अमुक ग्रंथ का पाठ कर लिया, अमुक मंत्र का जप कर लिया, अमुक नाम का जप कर लिया, और गुरु का भी भजन कर लिया, अब तो किस अब तो कार्तिक में धान की ही फसल आएगी, होगा संभव। जब गंगा जल से गेहूं का दाना धान के दाने में बदल नहीं सकता, कोई भगवान गेहूं के दाने को धान के दाने में बदल नहीं सकता, तो आपका पाप पुण्य में कैसे बदल जाएगा। किया है गलत कर्म, दूसरों को दिया है दुख, सुख कैसे मिलेगा, कल्याण कैसे होगा। धोखे में ना रहें। लोग भले कह देते हैं, अरे भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, गुरु का नाम जपो, सब कर देंगे, ये भी महिमा है। किसी प्रकार से लोग तो कुछ तो लगे, रात दिन दौड़े जा रहे हैं राग रंग संतारिकता की तरफ, उधर से लोग थोड़ा हटें, मन को थोड़ा शांत करें, उसके लिए तमाम महिमा में कही गई है। लेकिन महिमा को हमने पकड़ रखा, तथ्य क्या है भूल गए। आज भी जाओ इसी कैंप कुंभ मेला में, बड़े बड़े पंडाल में, हजारों लाखों की भीड़ में गुरु लोग कह रहे हैं,
भगवान का नाम जब वो सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। भगवान का नाम जपो, जहां जिसकी श्रद्धा है जिसके प्रति वो नाम जपो, लेकिन नाम जपने मात्र से आपका होने वाला नहीं। कर्म अच्छा करो, गलत कर्म किया है गलत फल मिलेगा, मिलेगा। अच्छा कर्म किया है अच्छा फल मिलेगा। कर्म को सुधारें, गलत कर्म ना करें, दूसरे को दुख ना दें। उदाहरण, एक माँ थी, घर में एक मंदिर बना रखी थी, रोज पूजा करती थी और अपने बेटे से भी कहती थी, बेटा तू भी भगवान का भजन किया कर, भगवान बहुत दयालु है और भगवान खुश हो जाएंगे तो जो चाहो सब भगवान वरदान दे देंगे, भगवान सब कुछ कर सकता है। वो माँ रोज पूजा करती थी, बेटा भी पूजा करता था, माँ को देखा देखी, बेटा छोटा था पढ़ता था। अब माँ बार बार कहती थी कि भगवान का भजन करो, भगवान सब कुछ कर सकते, सर्व समर्थ है, सर्वांतर्यामी है, कुछ भी कर सकता है। भगवान तो ऐसा है, सूरज में कमल उगा सकता है और कमल में सूरज उगा सकता है, खिला सकता, सूरज में कमल खिला सकता है, कमल में सूरज उगा सकता है, कुछ निकांत कर सकता है। राय को पर्वत कर दे, पर्वत को राय कर दे। बेटा भी सुनता था, वो भी रोज जा करके पूजा करता था, पार करता था, आंख बंद करके भजन करता था। एक दिन बेटा विद्यालय से आया, कॉपी किताब का बस्ता एक तो रखा और चला गया मंदिर में, आंख बंद करके भजन करने लगा, बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। माँ दिखती है, रोज तो बेटा स्कूल से आता था, खाने को मांगता था, पीने को मांगता था, फिर खेलने जाता था, आज ना खाने का मांगा ना पीने का मांगा, सीधे मंदिर चला गया और जाकर हाथ जोड़ करके बैठ गया। कारण क्या है? सोचा कहीं हो अभी आ जाएगा, आधा घंटा बीत गया नहीं आया। तो माँ जाती है और कहती है, बेटा चलो दिन भर स्कूल में तुम रहे हो, भूखे हो, कुछ खा पी लो, लेकिन ये तो बताओ कि तुम आज स्कूल आते भगवान का भजन क्यों करने लगे, क्यों प्रार्थना कर रहे हो? कहे, माँ भगवान तो सब कुछ कर सकता है ना। हाँ बेटा, भगवान सब कुछ कर सकता है, तो ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे मुझसे आज थोड़ी गलती हो गई है, उस गलती सुधारने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ। कहे, बेटा क्या गलती हो गई? तो माँ, आज हमारी परीक्षा थी, परीक्षा में पूछा गया था भारत की राजधानी कहाँ है, तो मैंने लिख दिया भारत की राजधानी लखनऊ है। अब लिख तो दिया, अब परीक्षा देकर के आया तो साथियों से बात होने लगी, तो कहा अरे भारत की राजधानी तो दिल्ली में है, अब मेरा गलत हो गया। तो माँ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, जब तक मेरी कापी न कापी जचे तब तक भगवान भारत की राजधानी दिल्ली का पीछा लखनऊ कर देना। करेंगे भगवान? सब कुछ तो कर सकता है भगवान, कभी संभव नहीं है। इसलिए धोखे में ना रहें, अपना कर्म स्वयं करना पड़ेगा। बिना कर्म किए कोई भगवान आपका बेड़ा पार नहीं करने वाला है। गाते रहे महात्मा लोग भगवान के तमाम गीत, गीत गाओ लेकिन कर्म को सुधार करो। गीत गाओ मन की शांति के लिए, मन की व्यग्रता के लिए, लेकिन सुखी रहने के लिए कर्म का सुधार करो। किसी को तकलीफ मत दो, किसी को दुख मत दो, जो देंगे वही मिलेगा। सदगुरु कबीर इस पंक्ति में कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना, किसी की बुराई मत लेना, किसी के दोषों का अनुकरण मत करना, दूसरे का दोष मत देखो और जानबूझ करके किसी को दुख मत दो, फिर तुम्हारा मन निर्मल रहेगा, सब समय प्रसन्नता का अनुभव होगा। इस पद की एक पंक्ति पद मैंने थोड़ा निवेदन किया, बाकी पंक्तियों पर समय रहेगा तो कल हम फिर आपके समक्ष निवेदन करेंगे। अपनी वाणी के यहीं पर विराम देता हूँ।